अरे भाई, यहाँ किसी को कोई डिलीवरी का सामान तो नहीं मंगवाना? मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे डिलीवरी बॉय को जानता हूँ। राहुल बेबी, मुझे मंगवाना है। अरे बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ना, पर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना एक फोन का नया कवर चाहिए। कवर? वो कौन गिफ्ट करता है? अच्छा, गिफ्ट में फोन कवर नहीं देते, पर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने तो मुझे दिया था। तो फिर अभी क्या करना चाहिए? तो ऐसे में फोन कवर ऐसे निकालते हैं, निशाना साधते हैं और फिर से मारते हैं। ये डिंपल जो दांत फाड़ कर ऐसे हंस रही है, इसकी शामत तो इस क्लासरूम में अब आने वाली है। लकी सोच रहा था कि दो लड़कियों के बीच जब लड़ाई होगी तो किसे मजा नहीं आएगा, खासकर तब जब ये लड़ाई उसे लेकर होगी। ये है लकी और ये है उसकी कहानी। अबे लकी, भाग कहाँ रहा है? ओलंपिक में जाएगा क्या? भाई कमला सर की क्लास है, ऑलरेडी लेट। यार आज तो लगता है सर से ऊपर वाला डांट नहीं मारे खिलवाएगा। मैं अंदर आ जाऊं कमलनाथ सर? अबे परमिशन किससे मांग रहा है? दीवारों से। अबे परमिशन तो इसे पैदा होने से पहले मांगनी चाहिए। सब चलेंगे? अबे लेट है सर, सरप्राइज टेस्ट लेने वाले, बोल रहे थे तैयारी करके रखना। तुम तो साले किताबी कीड़ा है, सारा रट्टा मार के आया होगा। अबे किताबी कीड़ा नहीं, सिर्फ कीड़ा है ये। हाँ, इसकी पैंट तो देखो कीचड़ लगी हुई है उसपे। अरे भाई थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आ जाए कर, पता नहीं है इसे कि हमारे साथ लड़कियां भी पढ़ती है। बे ओए, पैजामे में रहे अपने, नाड़ा खींच दूंगा नहीं तो। छोड़ यार प्रीतम, भाई तुझे बड़ी परवाह है कि लकी ने क्या पहना है, लकी का क्या स्टाइल है? क्यों बे, तेरी गर्लफ्रेंड लकी को डेट करने वाली है क्या? अबे मेरी तो नहीं, पर इसकी खुद की गर्लफ्रेंड है, किसी और को डेट कर रही है। बे लकी है क्या तमाशा है यार। छोड़ भाई, तमाशा है, तू भी देख। ये डिंपल और राहुल अपने रिलेशनशिप को इतनी जल्दी सबके सामने ले आएंगे, लकी ने सोचा नहीं था। खैर डिंपल तो ये भी नहीं जानती थी कि एक बाइक को लेकर जो उसने लकी से ब्रेकअप किया है, आज की तारीख में वो लकी के लिए चूर्ण खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके सामने डिंपल का दिखावा तो अभी एक और रूप लेने वाला था। हाथ पकड़ने और आंख मिलाने के अलावा अभी इन दोनों का सबके सामने एक दूसरे को किस करना बाकी था। राहुल को जलने की बूनी आ रही। हाँ शायद किसी का दिल जल रहा है। काश उसी तरह ना वो भी जल के ना इस दुनिया से गायब हो जाए। डिंपल क्या कर रही हो तुम? रहने दे यार, क्यों मुंह लग रहा है? भाई मुंह तो छोड़, अभी हाथ पैर सब लगाऊंगा मैं। राहुल बेबी बोल देने दो ना बेचारे को, वैसे भी पहली बार देखा है किसी गरीब के नौकर को उसके लिए लड़ते हुए। डिंपल तुम ये सही नहीं कर रही हो, जानती है उसके बारे में? तुमसे पहले 5 लड़कियां फंसा चुका है, छठी हो तुम। थैंक यू प्रीतम जी मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। सही कहा, छठी हूँ पर आखिरी हूँ, क्यों जानू? हाँ जान, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। जी करता तुम्हें अभी किस करूँ। तू किस बात की देरी, वैसे भी मैं तुम्हारी ही हूँ। सच में? साले तेरा खून नहीं खोलता ये देख के, क्या कर रही है वो? रहने दे भाई, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइसेस। चलो लकी, तुम्हें इतनी तो अक्ल है कि राहुल ना तुमसे बेटर चॉइस। बेबी मुझे ना फोन कवर चाहिए नया, प्लीज गिफ्ट में। फोन कवर? वो अपनी गर्लफ्रेंड को कौन गिफ्ट करता है? मैं तो तुम्हें अमेरिका से आया हुआ न्यू फोन वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? लो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। चलो मैं तुम्हें आज ही दिलाता हूँ, बहुत पैसे है मेरे पास। तो चलो हम ना आज ही जाके ना मार्केट से मेरे लिए नया फोन ले लेते प्लीज। और हाँ, ये पुराना फोन तुम लकी को दे देना, क्योंकि इसे पुरानी चीजों की आदत है। नहीं नहीं, उसके लिए तो ये वैसे भी किसी और का दिया हुआ फोन कवर ही है, तो इसको बस ना ऐसे निकालना है, फिर निशाना साधना है और उसको वापस दे। गजब बेइज्जती भाई। देख लकी, तू इसे बेच लियो और तेरा 2 दिन का किराया निकल जाएगा। बाकी सब तो ठीक है राहुल,
पर थोड़ी देर पहले अभी क्या कहा था तूने? क्या था? हाँ, मुझे सेकंड हैंड चीजों की आदत है। ये मैं, ये सेकंड हैंड, और ये तू। मेरी सेकंड हैंड गर्लफ्रेंड तेरे पास है। सेकंड हैंड चीजें कम इस्तेमाल किया कर, तू भी ना। लकी, तू ना अपने हद में रहे। तुम तब से क्या कर रही हो डिंपल? क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? तुझे ना तेरी हैसियत और औकात दिखा रही। इसे देख, इसे बोलते हैं बॉयफ्रेंड। अच्छा हुआ मुझे चाट की टपरी और चाय के ठेलों से आजादी मिली। वैसे तूने ना मुझे ना एक जिंदगी की सीख सिखाई। जिन बंदों के पास पैसे नहीं होते ना, उन्होंने बंदियां नहीं पटानी चाहिए। और पता है ना, पैसों के पीछे लड़कों के साथ घूमने वाली लड़कियों को क्या कहते? लकी, आवाज नीचे रख राहुल, अपनी उंगली भी। और लकी, अगर तूने डिंपल के बारे में एक शब्द भी और बोला ना, तो तुझे यही गाड़ दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना ही मैं खराब चीजों के बारे में बात करता हूँ, ना ही उनकी तरफ देखता हूँ, और ना ही उनके मुंह लगता हूँ। राहुल बेबी रहने दो ना, वैसे भी किससे उलझ रहे? वैसे भी ये बंदा ना हमारे स्टैंडर्ड का भी नहीं। सही कहा बेबी, हम अपना दिन क्यों खराब करें? नहीं राहुल, बेबी या बाबू नहीं, अब से ना मुझे अपनी वाइफ ही बोलो। क्या सच्ची? हाँ, वैसे भी आज ना तो कल तुम्हारी शादी होने वाली है, तो अभी से आदत डाल लेते हैं। तो अब से तुम ना मुझे सिर्फ वाइफ ही बुलाओगे और मैं तुम्हें हस्बैंड। चलेगा ना तुम्हें? ओके बेबी, आई मीन वाइफ। अबे जाओ ना भाई, साथ फेरे ही ले लो तुम लोग, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। देखा अभी जी, अभी से ना लोग हमसे जलने लगे। जलेगी तो अब डिंपल। थोड़े ही देर में यहाँ ऐसा तूफान आने वाला था जो हवा में उड़ रही डिंपल को जमीन पर पटकने वाला था। लो, आ गया वो तूफान। लकी की दोस्त साक्षी। कौन चल रहा है किससे? साक्षी, अच्छा हुआ तुम आ गई। इनसे मिलो, डिंपल के नए बॉयफ्रेंड। डिंपल मिलाओगी नहीं, अपने हबी से? ये किस मुंह से बात करेगी लकी? डिंपल तूने हद पार कर दी है यार। तुझ जैसी लड़कियों की वजह से ना लड़के हमें चालू बुलाते हैं। उनकी तो सोच ही गलत है, लेकिन तू जो कर रही है ना, वो भी पूरी तरह से गलत है। ए साक्षी, तू ना मुझे सही गलत का ज्ञान मत दे। हाँ साक्षी, तू तो। ओए राहुल, तेरी तमीज कहाँ गई भाई? दो लड़कियां बात कर रही हैं और बीच में कूद रहा है। अबे लड़की है क्या? तो तेरी डिंपल इतनी कमजोर है कि साक्षी का सच नहीं झेल पाएगी? भाई लड़कियों का मैटर है, साइड में रह, बेटर है। लकी जैसे लड़की को छोड़कर तू इस कॉलेज के एक नंबर के अय्याश, लफंगे, रईस लड़के के साथ पता नहीं क्या कर रही है। चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब मत। तो मेरी दोस्त हुआ करती थी ना, अब तुझे क्या हुआ? और अपनी ना जुबान पे तो लगाम दे। उस टाइम की बात अलग थी डिंपल, तब तू हमारी तरह थी, सिंपल, या सिंपल बनने का नाटक करती थी। सांप जैसे अपने चोले निकालता है ना, वैसे तेरा मुखौटा निकल चुका है। अच्छा, कौन सा मुखौटा? मुजारा मुझे भी बताना। बात छेड़ ही दी है तो तू अब सुन। तू कितने जल्दी भूल गई कि लकी तेरे साथ तब खड़ा था जब तुझे पूछने वाला आसपास कोई नहीं था। जब जब तू बीमार हुई है ना और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तब लकी तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे लिए दवाई लाता था, यहां तक कि उसने तेरे कपड़े तक धोए हैं। अपना असाइनमेंट करने की जगह वो पहले तेरा असाइनमेंट करवाता था। और जो तू थोड़े बहुत मार्क्स पा रही है ना, वो भी बस उसी की बदौलत है। और यही नहीं, तुझे याद है जब हम हिमाचल गए थे और तेरे पैर में वो छोटी सी मोच आ गई थी, तब लकी अपना ऑफिस छोड़कर भागा भागा आया था उसी रात हमारे पास। क्या क्या गिनवाऊं मैं तुझे? ओ हेलो, तो उसने ना कोई मेरे पे एहसान नहीं किया। बॉयफ्रेंड से काम होता है एक चीज करना। ओ अच्छा, और गर्लफ्रेंड्स का क्या काम होता है? धोखा देना, अपने नए आशिक के साथ मिलकर पुराने वाले को जलाना, ये काम होता है? वैसे सही कह रही है तू, वो ना तेरे पे एहसान नहीं कर रहा था, वो तुझसे प्यार कर रहा था। और एक बात बता दूं तुझे, तू कुछ खास नहीं है डिंपल, लकी ने तुझे खास बनाया हुआ था। अरे हम सब बैठ के जलते थे तुझसे ये सोच के कि तेरा बंदा तेरे लिए कितना कुछ करता है। पर तेरी किस्मत यार, तेरे नसीब में तो ये राहुल ही लिखा था। सुनना, ये ना मेरा ज्यादा ख्याल रखता है लकी से। ख्याल रखता है? नहीं नहीं नहीं, राहुल तुझ पे लकी से ज्यादा पैसे उड़ाता है, वो पैसे वाला प्यार है। लकी जो करता था ना, वो दिल से करता था। और ये लकी,
ये अपनी छोटी सी सैलरी से ना तुझे डेली गोलगप्पे खिलाने के लिए पैसे निकालता था। तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है, ये आज भी अपने पैसे जोड़ रहा है, रोज दाल रोटी खाता है ताकि वो तुझे पाई पे घुमा पाए, और तू ऐसे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। सुनना, अगर उसके पास पैसे नहीं है ना तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरे भी खुद के कुछ खर्चे है, कुछ शौक है, मैं क्यों लाइफ में एडजस्ट करूं? एडजस्टमेंट नहीं, उसे समर्पण कहते हैं। और तू अपना खर्चा खुद क्यों नहीं उठाती है? बॉयफ्रेंड क्यों वो अपना झला रही है? देख कैसे फोन आते, बदतमीजी से उठ के चला गया हूं। जो फोन इस वक्त लकी को आ रहा था वो उठाना उसके लिए बहुत जरूरी था। अगर ये फोन पैसों को लेकर हुआ तो वो नजरअंदाज तो नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर ये लड़कियां ऐसे लड़ रही थी। खैर लकी ने फैसला किया कि पहले ये फोन उठाया जाए, क्या पता ये किसका फोन हो। लकी को ये किसका फोन आया था? वो टिंपल और राहुल को कैसे सबक सिखाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।